ओ माय गॉड, देख खड्डा कर दिया उसने, खड्डे पीछे रेत का ढंगा लगा दिया उसने। ओ माय गॉड, नो धकेल दिया पूरा। हेलो गाइस यार, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। और आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यार आज हम कराने वाले हैं दो दो आरसी बिग साइज की बग्गी को बीच में फाइट कराने वाला, इसलिए यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है और आज की वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाली है। और जल्दी से हम देख लेते हैं, क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और इनके क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी से एक एक की दोनों की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं हमारी येल्लो वाली बग्गी की, जो कि अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन मार्केट में इसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है 2000 रुपये, और ऑफलाइन ये मिल जाती है हमें लगभग 1600 से 1700 रुपये में। तो यहाँ से हम काट लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है हमारी बग्गी, ये देख सकते हो। तो हमें सबसे पहले एक देखो यार इसका लुक, देखो लुक कितना शानदार लग रहा है। ओ माय गॉड, इसके अंदर एक ड्राइवर भी बैठा है, इसको जो चला रहा है काफी शानदार। देखो यहाँ से दिख रहा है एक ड्राइवर बैठा है और इसके साथ में, और इसकी अगर बॉडी की बात करें ना तो इसकी जो मेन बॉडी है वो बनी है स्टील फ्रेम में, और जो बॉडी है वो है प्लास्टिक की कवर। और इसके शोकर की बात करें, देखो इसका शोकर, शोकर कितना मजबूत है। दोनों के अंदर हमें स्टील फ्रेम के शोकर देखने को मिलता है और इसके यहाँ व्हील हमें देखने को मिलता है एजाई व्हील, और देखने का तो काफ़ी शानदार लुक है। और उसके भी हम जल्दी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके साथ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसका भी यहाँ से हम काट देते हैं, देख सकते हो कितनी बड़ी साइज की हमारी आरसी बग्गी है, देख सकते हो दोनों। वो माय गॉड, और इसके अंदर में रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, ये भी काफी ज्यादा हार्ड है यार। निकल जा भाई यार, इतना मेहनत क्यों करवाता है। वो देख सकते हो इस प्रकार का हाई क्वालिटी वाला, हाई ग्रिप वाला काफी शानदार रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि काम करता है 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी वाला। वो इसके अंदर लग जाती है 3 दिन AA बैटरी, और ये काफ़ी स्मूथ है, इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी स्मूथ, देख सकते हो। वो भाई कितना स्मूथ। और यहाँ पर हमें एक लाइट भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है ऑन ऑफ को, और ये टिकट बटन भी काफ़ी शानदार है, यानी काफ़ी मजबूत है। और इसके अंदर अगर इस बॉक्स की कंटेंट बात करें तो इसके अंदर में एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करेगा, और इसकी बैटरी भी इसके अंदर इनबिल्ट ही है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है 2500 रुपये ऑनलाइन मार्केट में, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यार इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार। देखो इसके भी अंदर जो शोकर है ना वो हाई क्वालिटी के स्टील पाइप वाले देखने को मिलता है। इसकी साइज कितनी छोटी है, जबकि ये हमारा मोस्टर ट्रक कितना बड़ा है। और इनके दोनों के यार व्हील के अंदर में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जबकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एजाइल व्हील, जो कि एक जगह पर डिप मारने में काफ़ी शानदार होता है। और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है इतने बड़े बड़े रबड़ के टायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टायर होते हैं। देखो इसके अंदर ग्रिप कितनी पावरफुल है, ये कहीं पे भी चल जाता है, वैसे हम यार ऑफ रोड का बादशाह कह सकते हैं। बाकी यार इसके भी एक खासियत है कि ये एक जगह पे काफ़ी शानदार तरीके से काफ़ी जोरदार ड्रिफ्ट मार सकती है। और इसका लुक देखो यार, लुक कितना शानदार है, येलो और ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लग रहा है। और देखो इसके अंदर सस्पेंशन भी काफ़ी हाई क्वालिटी का देखने को मिलता है, इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो है स्टील के रोड वाले, और यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट में, वो देख सकते हो यार इसका लुक काफ़ी शानदार है। और इसका जो स्टील है, बॉडी है, ये बॉडी पूरी स्टील फ्रेम में है, ऊपर से प्लास्टिक का कवरअप किया गया, जबकि इसके अंदर देखो यार इसका भी जो बॉडी है वो पूरी स्टील की पाइप वाली है, और ऊपर यहाँ प्लास्टिक का कवरअप किया गया, और उसके अंदर भी हमें स्टील के फ्रेम वाले रोड वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और उसके अंदर इतने बड़े बड़े टायर देखने को मिलता है, उसके टायर छोटे और उसके टायर बड़े बड़े टायर है। वो इसके अंदर हमें हेडलाइट देखने को मिलती है, जबकि उसके अंदर हमें हेडलाइट नहीं देखने को मिलती है। वो इसके अंदर पीछे हमें एक लोडिंग का डेक भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार ये है एक जीप ऑफ रोड और ये है हमारी एक बग्गी ऑफ रोड। तो यार गाइस जल्दी से इनका वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें कितना मजा आता है। और यार इसका रिमोट कंट्रोल भी देख लेते हैं, इसके अंदर हम काफी शानदार गिफ्ट मार सकती है, आगे पीछे चल सकती है इस जेस्चर सेंसर से। वो जेस्चर सेंसर भी इसका है जो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है,
इसका लुक की बात करें तो इसका लुक है हमारा ब्लैक और रेड कलर में, और दिखने में आप दोनों ही हमारी आरसी कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी शानदार, चलने में भी एक नंबर की है। तो जल्दी जल्दी से इनका पावर टेस्ट करते हैं। तो गाइस हम दोनों गाड़ी का एक एक करके टेस्ट करते हैं। पहले कर रहे हैं हमारा जस्ट सेंसर वाली का, तो यार इसके स्विच को यहाँ पर से हम ऑन कर देते हैं इस प्रकार से, और फिर चलाते हैं इसको, देखो कितनी पावरफुल चलती है बॉय, देख सकते हो, ओ माय गॉड, वो देख सकते हो, वो माय गॉड, चे और लेफ्ट 360 डिग्री और उल्टी 360 डिग्री, आगे लेफ्ट में काफ़ी शानदार ये 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। अब चल रहा है आगे और पीछे, रुक जा, देख सकते हो इसका डेमो बटन काम कर रहा है यार, इस बटन को दबाया डेमो बटन काम करने लग जाता है। ऑफ रोड का बादशाह, ओ माय गॉड, इसकी साइज देखो, साइज कितनी बड़ी है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसके भी रिमोट को करते हैं यहाँ से ओन, और इसके स्विच को करते थे ओन, देखो ओ माय गॉड। और यार मैं एक बात बताना भूल गया, इसका वजन है आराम से 2 किलो, और जबकि इसका वजन हमें सेफ देखने मिलता है 500, आधा किलो वजन देखने को मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर यार 2 किलो वजन देखने को मिलता है। देखो भाई कितनी ज़्यादा वेट है इसका, देख सकते हो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, और अभी देखना चलने में भी काफ़ी शानदार है। एक माइंड इसको कह दिया ऑन, और देख सकते इसकी लाइट कितनी खतरनाक चल रही है आगे, और दोनों आगे पीछे दोनों साइड इसके बम्पर देखने मिलता है तो टूटने वाला नहीं है, देख सकते हो इसकी स्पीड, ओ माय गॉड, देख सकते हो, ओ ओ केकड़ा चल रहा है केकड़ा जैसे, ओ माय गॉड क्या लग्जरी यार गाड़ी, वाह भाई एक नंबर की गाड़ी हमारी बग्गी जीप है, देख सकते हो, ओ माय, मुझे यार सभी इसकी एक कमी लगी, इसके अंदर हमें स्पीड बहुत कम देखने मिलते हैं, ये देख सकते हो, बाकी चलने में एक नंबर का है। तो गाइस अब करवाते हैं इन दोनों के अंदर पुश बैक, तो इसका रिमोट कंट्रोल है इस प्रकार का, इसका रिमोट कंट्रोल जेस्चर वाला, तो करते हैं दोनों का ऑन, और देख सकते हो, ओ माय गॉड, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहा है हमारा मोस्टर ट्रक को, ये बग्गी को हरा दिया यार, देख सकते हो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहे, ओ माय गॉड हमारा मोस्टर ट्रक उसका ऊपर चढ़ गया, ओ माय, एक बार और टेस्ट करता हूँ, देखते हैं इस बार हमारा मोस्टर ट्रक इसको हरा पाता है या नहीं, लेट्स गो, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावर लगा, ओ इसका ऊपर चढ़ गया, और अब देखना ये पावर लगा रहा है हमारा मोस्टर ट्रक, ओ ऊपर चढ़ गया, ओ माय गॉड, लो धकेल दिया पूरा, ओ माय गॉड, देख सकते हो, ओहो गो माय गॉड, दोनों काफ़ी खतरनाक है यार। अब करवा दे हमारे इसके अंदर ठगोर वो, देखते हैं हमारे ठगोर वॉर में कौन जीता, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रही हमारी बग्गी, वो देखते हैं ये भी हमारा मोस्टर ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहा है, दोनों बराबर की टक्कर में चल रहे हैं, वो देख सकते हो, वो इस बार जीत चुका है हमारा मोस्टर ट्रक, ओ माय गॉड, देख सकते हो, ओ गिरा गिरा गिरा, तुझे खाई में गिर जाता अभी, तो वापस रखते हैं इन दोनों को, ओ देख सकते हो, माय गॉड माय ट्रक मोस्टर ट्रक इसको भी खींच के ले चुका है, यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारा मोस्टर ट्रक। और अब करवाते हैं यार इसका वेट लिफ्ट, हमारा मोस्टर ट्रक इसको ले जा पाता है या नहीं, तो देख सकते हो इससे काफ़ी आसानी से ले जा पा रहा है, देख सकते हो इसको खींच के ले जा सकता है, ऊपर बैठा के ले जा सकता है, चारों तरफ किधर भी इसको नचा नचा सकता है, देख सकते हो। और अब देखते हैं कि यार ये इसका ऊपर चढ़ पाता है या नहीं, ये हमारा मोस्टर ट्रक इसको ले जा पाता है या नहीं, हमारी बग्गी इस मोस्टर ट्रक को ले जा पाती है या नहीं, ओ माय गॉड, ओ काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रही है, देख सकते हो, देखो उसे भी नचा दिया यार, ओ माय गॉड, यानी यार वेट लिफ्ट करने में तो काफ़ी शानदार है ये, वेट लिफ्ट को आसानी से कर लेता है, सिर्फ इसे खींचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, देख सकते हो। तो गाइस अब हमारे मोस्टर ट्रक को हम चढ़ा रहे हैं रेत पे, और देखते हैं वहाँ पर चढ़ पाता है, ओ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहा है हमारा मोस्टर ट्रक, वो देखो मिट्टी कितना उड़ा रहा है, जूम करो जूम, देख सकते हो मिट्टी कितना ज़्यादा उड़ा रहा है, देख सकते हो, ओ माय गॉड, देख खड्डे कर दिया उसने, खड्डे पीछे रेत का डंगा लगा दिया उसने, ओ माय गॉड, देख सकते हो, ओ माय गॉड, चलो 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 चलो, ओ माय गॉड, ये तो देख सकते हो ऑफ रोड का बादशाह, इसे ऐसे ही नहीं कहते, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड करा, देख सकते हो, ओ माय गॉड, अब तक का सबसे बादशाह है हमारा ऑफ रोड का, देख सकते हो, इधर लाओ इधर लाओ इधर, देखो देखो कितना ज़्यादा चढ़ चुका है, देखो भाई, ओ माय गॉड,
तो गाइस यार अब हमारी बग्घी को हम उस पर रेत पर चढ़ाते हैं और देखते हैं वहाँ पर चल पाती है या नहीं। वो देख सकते हो ये भी काफ़ी आसानी से चल रही है, बस ये ऑफरोड नहीं कर पाती है। देख सो वहाँ पर डांस करने लग गई ऐसे। देखो भाई ये तो अटक चुकी है, जबकि इसके अंदर एजाइल व्हील देखने को मिलते हैं हमें। देख सको चल जा, ओ सिम सिम सुख सुख करने लग गई है। तो देख सकते हो यानी यार ये ऑफ रोड तो नहीं कर पाएगी हमारी। देख सकते हो सिर्फ ये डांस करने में काफ़ी एक नंबर की है।